अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो ये जुगनू लाइट पर है। ये नई लाइटें हैं, मैं पर रिपेयर होने के लिए आई हैं। ये देखें, ये रिपेयर हो जाती हैं। प्राइस तो कोई खास नहीं है इनकी, लेकिन मुझे एक भाई ने कमेंट करके कहा था कि यार इसके ऊपर ये आजकल चल रही है रबी अव्वल के महीने में, तो आप ये बताएं हमें, ये रिपेयर करना भी बताएं। तो कई भाई के गुस्सा करते हैं कि यार ये 50 की नहीं मिल जाती है, रिपेयरिंग करने का क्या फायदा, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे तो और क्या चाहिए। ठीक हो गया, मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको नई से नई चीज मिलनी चाहिए सीखने को। सीखते रहोगे तो कुछ ना कुछ पाओगे ना, तो इसलिए आज की वीडियो इसी के ऊपर, इस लाइट के ऊपर है। इसमें एलईडी बल्ब भी आते हैं, ये जुगनू बल्ब वाली एलईडी है। अब देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट निकल रहा, आपको बताऊंगा आपने कैसे चेक करना है इसको। पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास 220 सीवीएस होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। आज जरा ज्यादा शोर है ट्रैफिक का, ये बल्ब की लाइट आपको शो हो रही होगी, मैं लगाता हूँ तो। ठीक है, अब क्या करना है इसको खोलते हैं। ये न्यू है, न्यू में खराब निकल आती है, पुरानी भी आप ठीक कर सकते हो, तरीकाकार सेम है। ये हम इसको 220 देते हैं, इसको 220 दिया, हला के देख लें, नहीं चला। अब क्या करना आपने, सबसे पहले अब नहीं चला तो आपने सबसे पहले इसका शू खोल लेना है। शू खोलने का तरीका ये देखें, खोल लिया, तारे देख लेनी है प्रॉपर लगी हुई है तो ठीक है, अगर तारे तो लगी हुई है तो ये ओके होगा। अब हम आगे की तरफ चले जाते हैं, आपने फिर भी इसको खोल के चेक कर लेना तार ना निकली हो। ये लग गया, अब आपने इसको खोल लें, बगैर खोले ये फॉल्ट ट्रेस नहीं होगा, खोल लेना आपने, ये खोलते जाना, देखते जाना इसके सारे बल्ब कहीं से तार टूटी तो नहीं हुई, आपने तसल्ली से चेक करना है। ठीक हो गया, इसको निकालते जाना प्यार प्यार से, ज्यादा जोर नहीं लगाना आपने, क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है। आपने इसको निकालते जाना, बस आपने एक ध्यान रखना है, या बल्ब में धुआं ना इसमें भरा हो, जब बल्ब की तार ना टूटी हो, आपने ये देखते जाना साथ साथ। ठीक है, मैं देखे आपके सामने चेक कर रहा हूँ एक एक बल्ब को, ये ऐसे ही चेक होती है, बगैर खोले ये वैसे नहीं चेक होगी, एक एक करके हमें चेक करने की पड़ेगी ये तसल्ली से। ठीक है, ऐसे खोलते जाएं, देखते जाएं, तो करते जाएं, एक एक करके चेक करते जाएं बल्ब को। ठीक है, ये देखे मैं चेक करता जा रहा हूँ, मुझे अभी तक तो कोई फॉल्ट नजर नहीं आया, बल्ब वगैरह भी मैं देख रहा हूँ तसल्ली से, कहीं से तार टूटी हुई है वो भी देख रहा हूँ, तार ना टूटी हो, बल्ब में से निकली ना हो, ये तो अब फॉल्ट निकलने से ही पता लगेगा कि ये निकाल ट्रेस करना पड़ेगा आपको फॉल्ट इसका। घर में काफी ज्यादा कस्टमर कई लेके आते हैं, ये कॉटन के हिसाब से दुकानदार तो लेके आते हैं, अब हम आजकल हम ये इसी काम पर लगे हुए हैं, बिकती है काफी ज्यादा। तसल्ली करनी पड़ेगी हमें, तसल्ली किए बगैर नहीं मसला हल होगा, एक एक चीज चेक करने के बाद। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है,
ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये बल्ब भी ठीक है, ये भी ठीक है, एंड वाला बल्ब आ गया। ये देखिए एंड वाले बल्ब में हमारा नुक्स निकला है। अब क्या करना है आपने, इसको ऊपर से फाड़ देना, तोड़ देना और इसको टेस्टर के साथ ठीक हो गया। ये बल्ब अंदर से जला हुआ था। अब हम इसको शॉर्ट करके देखते हैं। शॉर्ट करने का तरीका कार, इसके अंदर जो पॉइंट लगे होते हैं उसके साथ ये शॉर्ट कर दिया। अब हम इसका प्लग लगाते हैं। अभी मैं आपको सीरियस के साथ लगा के दिखा देता हूँ, मैं सीरियस जला के दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपको लाइट शो हो रही है। सारे बल्ब छानने के बाद हमें ये देखिए, ये आपको नजर आ गई। सिर्फ फकत मैंने क्या किया, ये बल्ब एंड वाले में धुआं भरा हुआ था तो मैंने उसको काटा, ऊपर से काट के इसको शॉर्ट कर दिया अंदर से। वो अंदर पॉइंट बने होते हैं उसको मैंने शॉर्ट कर दिया और हमारा मसला हल हो गया और लड़ी ओके हो गई है। आपके सामने मैंने ये रिपेयर किया, ऐसे ही दूसरी लड़ी है, तीसरी लड़ी है, ऐसे ही आपने शॉर्ट कर देना आगे से। और आगे अगर आपको सेफ्टी करनी है तो आपने ऊपर इसके ये देखें शीशा टेप है, इसको आप लगा लें। रिपेयर करना इसको बहुत इजी है, लेकिन आपको फॉल्ट ट्रेस करना करेगा। इसमें से किसी बल्ब की तार उतरी हो सकती है, कोई बल्ब जला हो सकता है। ये बल्ब में धुआं भरा हुआ था, मसलन के धुआं आपको जब आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। फॉल्ट ट्रेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखें मैंने उसके अंदर से शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, शॉर्ट करने के बाद मैंने इसका प्लग लगाया, ओके हो गई लड़ी हमारी, बिल्कुल ओके हो गई है। ये देखिए मैंने आपके सामने रिपेयर करके दिखा दिया, लड़ी सारे बल्ब जल रहे हैं, ये सी वही ठीक है। ये देखिए और भी अब मेरे पास अब लड़ी है, ये देखें इसको हम साइड में कर लेते हैं। ये एक और लड़ी आई है, ये ब्लू कलर की, ब्लू कलर की भी रिपेयर होने के लिए आई है। इसको भी ऐसे ही चेक करना आपने, ये लगा लिया देखें नहीं चल रहा, फिर आपने क्या करना है इसका शू खोल के चेक करना है, कोई तार तो नहीं उतरी हुई बीच में से, इसके तार तो नहीं उतरी हुई, वो खोल के आपने चेक कर लेना, टेस्टर देना इसके नीचे। ये देखो बाहर आ जाएगा, ये तारे इसके अंदर लगी हुई हैं, प्रॉपर लगी हुई हैं। अब आपको ये वैसे ही खोलनी पड़ेगी, ठीक है। एक मैंने करके दिखाई है, मैं क्या कस्टमर को ये वहम ना रहे, मैं इसलिए दूसरी भी आपके सामने ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने ये देखने हैं बल्ब, देखने पड़ेंगे आपको, सारे चेक करने पड़ेंगे ऐसे ही एक एक करके, तसल्ली करनी पड़ेगी आपको। ऐसे ही किसी बल्ब में धुआं भरा हो सकता है, स्पार्क हो सकता है, तार टूटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसमें आपने ये एक एक करके चेक करते जाना है, तसल्ली से चेक करते जाना आपने। टेस्टर के साथ आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और चेक करने का तरीका भी एक होता है, आप वैसे तो ज्यादातर ऐसे ही पता लग जाता है, मैं जैसे जैसे आपके सामने चेक कर रहा हूं। ये देखें ये सारी खोल के चेक करनी पड़ती है, ऐसे नहीं पता लगता इनका, किसी में भी धुआं हो सकता है, कोई तार कहीं से भी टूट सकती है, ये तो चेक करने के बाद ही पता लगता है। देखना पड़ेगा इसमें से, गौर से देखना पड़ेगा इसी में भी हो सकता है स्पार्क,
किसी भी बल्ब में हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उसमें एंड वाला निकला है तो एंड वाले में ही होगा, ये जरूरी नहीं है। ये कहीं से भी कहीं पे भी फॉल्ट हो, किसी भी बल्ब में हो सकता है, ठीक है। तो चेक करने से पता लगता है। एक एक करके बल्ब चेक करने पड़ेंगे, फिर ही पता चलता है इसमें। अभी तक तो नहीं फॉल्ट आया सामने। तसल्ली से देखना पड़ता है, तारे तो सभी की लगी हुई है। ठीक हो गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एंड वाला बल्ब आ गया, एंड वाला बल्ब नीला कलर है, इतना वाजह शो नहीं हो रहा। लाइट की तरफ करके देखना पड़ेगा इसको, मैं लाइट की तरफ करके देखता हूँ। ये बल्ब में थोड़ा सा नुक्स लग रहा है, देख लेते हैं। नहीं, ये ठीक था बल्ब, इसका नुक्स नहीं था। ये बल्ब ठीक था, कहीं नुक्स हमारा और है, देखना पड़ेगा। ये अब इसका प्लग लगा के देखते हैं। वैसे नहीं चला, इसका मतलब कि इसके फॉल्ट हो रहा है। अब हमारा इसके काम आएगा टेस्टर, टेस्टर से पता चलेगा कि यहाँ पे फॉल्ट है कि कहीं और फॉल्ट है। यहाँ पे करंट पास हो रहा है, ठीक है। अब हमें एक एक करके इसमें से चेक करना पड़ेगा कहाँ पे करंट पास नहीं हो रहा। होगा कोई बल्ब ही खराब, समझ रहे हैं बात को। तीन चार बल्ब छोड़ के आपने तसल्ली करते जाना कि करंट पास हो रहा है, ये टेस्टर जल जाता है। आपको मैं टेस्टर की लाइट दिखा देता हूँ, ये देखें, ये लाइट जल रही है, इसका मतलब ये करंट पास कर रहा है। इसी तरह आपने पांच छह बल्ब छोड़ के फिर चेक कर लेना, दो तीन बल्ब छोड़ के चेक करते जाना इसको। करंट पास ऐसे ही आगे को जाते जाना। मैं उल्टी साइड पे टेस्टर के साथ, ये देखिए मैंने सुई नुमा टेस्टर बनाया हुआ है। आप कोई भी सुई लेके इसके साथ टेप चिपका के चेक कर सकते हैं। ये देखिए टेस्ट दोनों साइडों पे लगाएंगे तो बल्ब जल जाएगा, इसका मतलब यहाँ से करंट पास हो रहा है, कहीं आगे कहीं फॉल्ट है। ऐसे ही आपने चलते जाना है आगे, ये दो तीन बल्ब छोड़ के, एक दो बल्ब छोड़ के। ये ऐसे ही पता लगता है। अब हमें ये धुआं तो लगा नहीं हुआ कहीं पे, तो ये हो सकता है वो बल्ब कहीं से जड़ा हो अंदर से। ये भी करंट पास कर रहा है यहाँ से भी, ठीक है। अब मैंने तीन बल्ब और छोड़ के किया, अब इधर से चेक करते हैं। ये करंट, ये देखे टेस्टर जल रहा है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये दोनों तरफ चल रहा है, आपने दोनों साइडें पे चेक कर लिया। यहाँ पे हमारा करंट नहीं पास हो रहा, वहां पे पता लग जाएगा हमें कहाँ खराबियां निकली है। ये
देखे टेस्टर करंट पास कर रहा है, ये कर रहा है। अब हमारा पास पहुंच गया काम। ये देखे ये भी टेस्टर चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है। अब हमारा आगे चलते हैं। ये बल्ब आ गया, अब ये बल्ब में देखते हैं, ये भी करंट पास कर रहा है। बल्ब इनमें से एक ही खराब निकलना है, अब ये तो ढूंढना पड़ेगा भाई। ये करंट पास कर रहा है, अब ये देखते हैं, ये भी करंट पास कर रहा है। ये देखते हैं मतलब ये एक साइड से आ रहा है, एक साइड से नहीं चल रहा। ये देखें दोस्तों हमारा फॉल्ट एक साइड पे आ रहा है, एक साइड पे नहीं चल रहा। ठीक है, टेस्टर आपके सामने नहीं चल रहा। अब हम इसको शॉर्ट करके देखते हैं भाई हमारा फॉल्ट यही है कि हो रहा है कोई, शॉर्ट करके देखें। ये देखें मैंने आपके सामने दो लाइटों का ट्रेस करके दिखा दिया। अब आप इसमें प्लग निकाल लें और इसको शॉर्ट कर दें। ठीक है, इसको आपने ऊपर से ये बनी होती है दो टांगे अंदर से, ये आपने शॉर्ट कर देनी है। आपस में मिला देनी है और इसके ऊपर आपने टेप कर देनी है। चला के एक दफा आपने चेक कर लेनी है। ठीक है, ऑन करके आपने टेस्ट करिए, देख रहे हैं इसको आपने शॉर्ट करके इसको शॉर्ट करके आपने ये मैंने शॉर्ट कर दी। अब इसके ऊपर आपने टेप कर देनी है क्योंकि शॉर्ट ना पड़े किसी को। मैंने आपको दोनों तरीकाकार इस वीडियो में बताए हैं कैसे आपने चेक करना है और कैसे खराबी निकल सकती है बीच में से। ठीक है, आपको मैं फिर बता देता था, आपने तसल्ली के साथ बता दिया। ये देखें दोस्तों लाइट हमारी रिपेयर हो चुकी है, सारे बल्ब जल रहे हैं। मैंने दोनों तरीकाकार इस वीडियो में इसलिए बता दिए हैं कि नया तरीकाकार ये हमने एंड वाला बल्ब जो थोड़ा था उसके ऊपर भी आपने टेप कर देनी है। दोनों तरीकाकार आपने मैंने बता दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक किया करें, शेयर करें, और फॉल्ट ऐसे ही निकलते हैं। अल्लाह हाफिज़।